वाओ अमेजिंग, क्या बढ़िया दिख रही है। व्हाट इज 2 × 2? 129 और 69। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या हूं, बोस्टन लिविन की ईऑन वॉच। इसमें 1.83 इंच का एचडी डिस्प्ले है, वॉइस कंट्रोल है, 5 स्पोर्ट्स मोड है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, ईसीजी है, हार्ट रेट सेंसर है, स्टेप काउंटर है, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, 15 डेज का बैटरी बैकअप है और ये स्मार्ट वॉच IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी है। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इस स्मार्ट वॉच को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये स्मार्ट वॉच लेने लायक है, क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। ये स्मार्ट वॉच आती है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। कैसी ये स्मार्ट वॉच दिखती है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें 1.83 इंच का एचडी डिस्प्ले है, वायरलेस चार्जिंग है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, सीरी सपोर्टेड है, हेल्थ एक्सेस है, मोशन मॉनिटरिंग है और म्यूजिक आपको मिल जाएगा ईऑन ईऑन। यहाँ पर अमेजन का स्टिकर हो गया। इसमें स्पेस अल्यूमिनियम केस है, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, किसने इसको इंपोर्ट किया आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बॉक्स पर MRP लिखी हुई है 11,999 रुपीज़, जबकि ये आपको ऑनलाइन इससे कहीं सस्ती अराउंड 1300 रुपये में मिल जाएगी। इसके कलर हैं ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू। डिब्बे में आपको क्या क्या मिलता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कस्टमर केयर का नंबर और इनका एड्रेस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। मिस सर्टिफाइड ये वॉच है और ये किन किन को सर्टिफाई करती है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये है बॉक्स जिसमें ये स्मार्ट वॉच आती है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे ऊपर है ये स्मार्ट वॉच, आगे है इसकी स्ट्रैप, साथ में है इसका मैग्नेटिक चार्जर, USB टाइप A2 और डेडिकेटेड पोर्ट। आगे है बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंटेशन जिसमें एक वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड हो गया, एक इसका यूज़र मैनुअल हो गया जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा इन इंग्लिश एंड इन चाइनीज लैंग्वेज। और फाइनली है एक क्वालिटी पास स्टिकर। तो बस यही कुछ मिलता है इसके डिब्बे में। आइए अब देख लेते हैं इस स्मार्ट वॉच को। वाओ अमेजिंग, क्या बढ़िया लुक है, क्या बढ़िया फिनिशिंग है। और इसकी जो स्ट्रैप है वो भी काफी बढ़िया लुक में आती है, क्योंकि इस वॉच में ये नीचे वाली कुछ इस टाइप से स्लाइड करके चले जाएगी लाइक डेट। या तो क्या बढ़िया फिनिशिंग है, वाओ अमेजिंग। तो लुक एंड डिजाइन के मामले में तो नो डाउट काफी बढ़िया लग रही है। आइए मैं आपको इसकी लेआउट को दिखा देता हूं। आगे की साइड को 1.83 इंच का एचडी डिस्प्ले है, इस साइड एक मेटेलिक क्राउन होगी, एक माइक्रोफोन के लिए होल हो गया, एक फिजिकल बटन है, इस साइड स्पीकर्स के लिए कटआउट हो गए, पीछे की साइड को इसके सेंसर्स हो गए, ये नीचे की साइड को जो दो आपको पिंस दिख रही हैं यहाँ पर इसका ये चार्जिंग कनेक्टर कुछ इस टाइप से डॉक होगा। और इसके स्ट्रैप की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये कुछ इस टाइप से बाहर निकल जाती हैं और काफ़ी आसानी से वापस लग भी जाती हैं। बाकी अगर स्ट्रैप की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ऑल दो सिलिकॉन की ये स्ट्रैप है बट काफ़ी बढ़िया ये लुक दे रही है वॉच को, और फिनिशिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज ये स्मार्ट वॉच काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग है, क्रोम बेजल भी काफ़ी बढ़िया लग रही है और ये सिलिकॉन के स्ट्रैप इसके ऊपर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और सबसे बढ़कर कि ये जो स्मार्ट वॉच है काफ़ी लाइट वेट भी है, वेट है इसका अराउंड 50 ग्राम्स। तो दिखने में तो ये स्मार्ट वॉच काफी बढ़िया लग रही है। आइए दोस्तों अब इस स्मार्ट वॉच को ऑन करते हैं। होप डैट कि इसकी बैटरी कुछ चार्ज हो। इस फिजिकल बटन को टैप एंड होल्ड करके इस वॉच को ऑन किया जा सकता है। लोगो आगे है और ये वॉच डायरेक्टली ऑन हो चुकी है। ये है इसका बाय डिफॉल्ट वॉच फेस जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। और इस वॉच फेस में चारों कॉर्नर पर एक्टिविटी डाटा देखने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। और ये वॉच फेस एनालॉग है। इस क्राउन बटन को ऐसे घुमा के मैं डिफरेंट वॉच फेसेस में स्विच कर सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है बट काफ़ी बढ़िया बढ़िया वॉच फेसेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे।
और आप और भी वॉच फेसेस को इसके ऊपर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर मैं होम स्क्रीन से ऐसे स्वैप करूं तो मैं अगेन डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस में स्विच कर सकता हूं, तो ये बढ़िया लग रहा है। और अगर मैं ऊपर से नीचे की साइड को स्वैप करूं तो मुझे कुछ क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहां से मैं ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकता हूं, अगर मुझे टॉर्च चाहिए तो टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकता हूं, डिस्प्ले ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कैसा चाहिए। इस क्राउन बटन को एक बार टैप करके मैं बैक जा सकता हूं। इसमें अराउंड 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड हैं जिसको मैं डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकता हूं। इसमें रनिंग मोड हो गया, प्लेइंग मोड हो गया, ट्रैकिंग मोड हो गया, साइकिलिंग मोड हो गया और स्किपिंग मोड हो गया। इसको मैं डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकता हूं, बैक जाने के लिए हो गया। आगे मैं मेनू स्टाइल को चेंज कर सकता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं कि मेनू क्या है इसके अंदर। और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकता हूं अगर ये मेरे मोबाइल फोन पर ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड है। मैं आपको आगे दिखाता हूं इसके बारे में। और स्क्रीन पर ऐसे स्वैप करने पर भी मैं बैक जा सकता हूं, और नीचे से ऊपर की साइड को स्वैप करने पर मुझे इसका एप्लीकेशन ड्रॉ देखने को मिल जाएगा। तो जो मैं स्टाइल की बात कर रहा था, मेनू स्टाइल की बात कर रहा था, तो कुछ इस टाइप का बाय डिफॉल्ट आपको मेनू स्टाइल इसमें देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल एप्पल की तरह ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। आप इस स्टाइल को चेंज कर सकते हो, इसके लिए होम स्क्रीन से ऊपर की साइड को स्वैप करना है। इसमें ग्रिड स्टाइल हो गया। अब राइट नाउ अगर मैं अब देखूँ तो मुझे ग्रिड्स दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं इस क्राउन बटन को ऐसे घुमा के पेज में अप एंड डाउन कर सकता हूँ, और एक बार टैप करके मैं बैक जा सकता हूँ। और स्टाइल की बात करें तो इसमें ग्रिड 9 स्टाइल है। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। ग्रिड 9 स्टाइल में मुझे कुछ इस टाइप से स्टाइल देखने को मिल जाएगा। और फाइनली लिस्ट स्टाइल है जिसमें मुझे एप्लीकेशन लिस्ट की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। आप एप्लीकेशन पार्ट को या फिर मेनू को इस क्राउन बटन को एक बार फिजिकली ऐसे टैप करके भी एक्सेस कर सकते हो। और होम स्क्रीन से ऐसे स्वैप करने पर कुछ एप्लीकेशन शॉर्टकट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी ये वॉच मेरे मोबाइल फ़ोन पर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए नो डाटा दिखा रहा है। उसके बाद डेट एंड टाइम हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गए, ऑलरेडी मैंने आपको इसके 5 स्पोर्ट्स मोड के बारे में बता दिया है। इसके बाद हार्ट रेट सेंसर है जिसके जरिए मैं अपने हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकता हूँ। एंड देन आफ्टर स्लीप मॉनिटर है, डायरेक्टली इसको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। और फाइनली है सेटिंग। सेटिंग में मैं ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, हैंड लाइट को मैं यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकता हूँ, स्क्रीन टाइम को यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ 10 सेकंड, ठीक है। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, शॉक को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, स्टाइल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। लैंग्वेज यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, इसमें इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंसिस, एस्पेन, ये लैंग्वेजेस हैं। फाइंड फोन को यहाँ से मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। राइट नाउ अभी ये कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। पासवर्ड यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। देन आफ्टर मुझे अबाउट मिल जाएगा जिसमें मैं डिवाइस के बारे में, इसके मैक आईडी के बारे में, वर्जन के बारे में देख सकता हूँ। आगे रीबूट है, अगर मुझे इस स्मार्ट वॉच को रीबूट करना है तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ। आगे फैक्ट्री रिस्टोर है, एंड देन आफ्टर शट डाउन है। तो इस वॉच की सेटिंग्स में आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इस क्राउन बटन को बीच से टैप करूँ तो मैं होम स्क्रीन पर चला जाऊँगा, नहीं तो इस फिजिकल बटन को भी टैप करके मैं डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ सकता हूँ। और इस फिजिकल बटन को एक बार और टैप करके मैं डिस्प्ले को ऑफ भी कर सकता हूँ। आइए दोस्तों अब इस स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन पर कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए मुझे इसके एप्लीकेशन पार्ट को डाउनलोड करना होगा। यूजर मैनुअल में एक QR कोड है, उसको स्कैन कर लेते हैं। या तो इसकी एप्लीकेशन का नाम है बोस्टन ट्रैक। ऑलरेडी मैं इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल कर चुका हूँ। चलिए अब डिवाइस को ऐड करते हैं। सर्च डिवाइस पर चलते हैं तो यहाँ पर बोस्टन ईओन दिखा रहा है। चलिए इस पर टैप करते हैं तो डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुकी है। यहाँ से मैं वॉच फेसेस को भी चेंज कर सकता हूँ। माई डायल में आपने जो भी डाउनलोड कर रखे हैं इनकी मॉल से वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉल में डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और DIY में आप अपना एक वॉच फेस बना सकते हो। आगे है रेज टू वॉक, आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। इससे होगा क्या, जब आप वॉच को अपने हाथ में पहने हो और हाथ को हिलाते हो ऐसे करके, तो इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाए। फाइंड डिवाइस में आप डिवाइस को ढूंढ सकते हो। अगर ये वॉच गुम हो गई है
तो इस पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और इसके जरिए आप वॉच को ढूंढ सकते हो। रिमोट सेल टाइमर में आप इस वॉच को एज ए शटर बटन इस्तेमाल कर सकते हो। आप पढ़ सकते हो शेक टू टेक पिक्चर, तो आप शेक करके डायरेक्टली पिक्चर ले सकते हो। आगे लैंग्वेज सेटिंग है जिसमें आप लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर देखने को पढ़ने को मिल जाएगी, जबकि ऑन वॉच काफ़ी कम थी। अनबाइंड कर सकते हो डिवाइस को, अगर आप चाहते हो कि इस डिवाइस को हटा दिया जाए फ्रॉम द एप्लीकेशन पार्ट, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। फोन बुक को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वॉच में आपका ब्लूटूथ डायलिंग है, तो कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ से ऐड अप कर सकते हो। बैकग्राउंड परमिशन सेटिंग्स, इसमें आप बैकग्राउंड परमिशंस को देख सकते हो। तो करंट जो स्टेटस है ASUS का है। आगे NFC, अगर स्मार्ट वॉच में NFC है तो आप इस स्मार्ट वॉच को एज ए एसएस कार्ड, बस या सबवे कार्ड या फिर पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और अबाउट में आपको एप्लीकेशन वर्जन पढ़ने को मिल जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने को मिल जाएगा, यूज़र एग्रीमेंट, फीडबैक और लॉगआउट अकाउंट्स देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आप इस एप्लीकेशन पार्ट से अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स हैं जिसका डाटा आप यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। आप हिस्टोरिकल डाटा को देख सकते हो जिसके जरिए आप मॉनिटर कर सकते हो कि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे चल रही हैं। वर्कआउट अगर आपने कोई प्लान कर रखा है या फिर कोई हिस्ट्री में आपने वर्कआउट कर रखा है तो उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली देख भी सकते हो। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो राइट नाउ ये स्मार्ट वॉच अब एप्लीकेशन पार्ट से भी कन्फिगर हो चुकी है। आई दोस्तों, आप इसको पहन लिया जाए और देख लिया जाए कि ये हाथों पर कैसे लगती है। वाओ, अमेजिंग, क्या बढ़िया दिख रही है। स्पेशली कहा जाए ये ग्रीश कलर, तो देख लीजिए कुछ स्टेप्स से ये हाथों पर दिखती है। बढ़िया फिनिशिंग है, बढ़िया लुक है और बढ़िया ये हाथों पर दिख भी रही है। आइए दोस्तों, अब इसके सेंसर्स को भी टेस्ट कर लिया जाए। इसके लिए मैं स्क्रीन में ऐसे स्वैप करूंगा और यहाँ पर मुझे इसके सेंसर्स मिल जाएंगे। इसमें हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर, हार्ट रेट और SpO2। चलिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर को देख लेते हैं। मेरा आ रहा है 125/75, थोड़ा सा ज़्यादा है। हार्ट रेट 87, नॉर्मल है। और SpO2 98, तो ये भी नॉर्मल है। आइए दोस्तों, अब इसकी कॉलिंग फीचर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे इस वॉच को अपने मोबाइल फोन के साथ ब्लूटूथ के जरिए पेयर अप करना होगा। तो वॉच कनेक्ट हो चुकी है और उसके बाद अगर मैं डायलर में जाता हूं तो मैं अब डायरेक्टली वॉच के थ्रू कॉलिंग कर सकता हूं। तो आप देख सकते हो कॉल कनेक्ट हो चुकी है और मैं कॉल को डायरेक्टली इस वॉच के ऊपर ही अटेंड कर सकता हूँ थ्रू द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑन दिस वॉच। आप सुन सकते हो और इनकमिंग कॉल को मैं डायरेक्टली इस वॉच के ऊपर देख भी सकता हूँ, इसको आंसर रिजेक्ट भी कर सकता हूँ और अटेंड भी कर सकता हूँ थ्रू द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑन दिस वॉच। तो ब्लूटूथ कॉलिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। आइए दोस्तों, अब इसके म्यूजिक कंट्रोल को भी देख लेते हैं। अगेन, इसके लिए वॉच को ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन से कनेक्ट करना होगा और यहाँ पर है म्यूजिक कंट्रोल। इसके थ्रू मैं गाने को प्ले पॉज कर सकता हूँ और देख भी सकते हो कि वॉच के स्पीकर्स पे ही गाना बज भी रहा है। और मैं यहाँ से क्राउन बटन को ऐसे घुमा के नेक्स्ट ट्रैक में जा सकता हूँ। प्रीवियस ट्रैक के लिए क्राउन बटन को ऐसे घुमाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर इसके फिजिकल बटन्स भी दे रखे हैं। प्रीवियस ट्रैक के लिए हो गया, ये नेक्स्ट ट्रैक के लिए हो गया और ये प्ले पॉज के लिए हो गया। तो मैं विद दिस स्मार्ट वॉच म्यूजिक को सुन भी सकता हूँ और म्यूजिक को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। बस यही कि म्यूजिक आपके मोबाइल फोन पर प्ले होगा, सुनने के लिए आप इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो और कंट्रोल करने के लिए भी आप इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब इसके वॉइस असिस्टेंस को देख लेते हैं। इसके लिए मैं चला जाता हूँ एप्लीकेशन ड्रॉ पर और यहाँ पर है वॉइस असिस्टेंस। टैप करते हैं, हु इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वट इज 2 × 2, आइए दोस्तों अब इसके कैमरा शटर को भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं एप्लीकेशन पार्ट से रिमोट सेल्फ टाइमर को ऑन कर देता हूं और जैसे मैं इसको ऑन करता हूं घड़ी पर एक आइकन आ जाता है, इसमें लिखा हुआ है कि शेक टू टेक पिक्चर्स। तो यहां पर मैं अगर शेक करूं तो ये पिक्चर क्लिक कर लेगा और पिक्चर चले जाएगी गैलरी पर। यहां पर ऐसे ही आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप
अपने स्लीप पैटर्न को मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो कि आप कितने घंटे सोए हैं। आपको इसके अंदर सेडिनेटरी मिल जाएगा, आप अपने मैसेजेस को डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ सकते हो, आप सोशल मीडिया मैसेजेस को भी यहाँ पर देख सकते हो, डुअल मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो और वेदर इंफॉर्मेशन जान सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप की। ऑफिशियली बताया जा रहा है कि अराउंड 7 दिन इसकी बैटरी चल जानी चाहिए, बट इन रियल लाइफ मैंने जब इसको टेस्ट किया है तो 2 या फिर 3 दिन इसकी बैटरी चल जाती है। और मे भी हो सकता है कि मैंने ब्लूटूथ को या फिर इसके सेंसर्स को ऑन रखा हो इसलिए बैटरी थोड़ी कम चली है, बट अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो मे भी आपको 6-7 दिन का इसके अंदर बैटरी बैकअप मिल जाए। बाकी अगर इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो अराउंड 2-2.5 घंटे लगते हैं इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में। आइए दोस्तों, अब जाने से पहले इसके स्पोर्ट्स मोड को भी देख लेते हैं। इसके अंदर जनरली 5 स्पोर्ट्स मोड हैं जिसको आप एसेस कर सकते हो। यहाँ से चलिए सबसे पहले रनिंग को देख लिया जाए। तो यहाँ पर मैं इस वॉच को लेके एक पार्क में आ गया हूँ और मैंने इस मोड को ऑन कर दिया है। अब ये स्मार्ट वॉच मेरी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और कुल मिला के ये वॉच बता रही है कि मैंने 0.5 किलोमीटर दौड़ा है और इसमें मैंने 30 किलो कैलोरीज बर्न भी किए हैं। ऐसे ही मैं इस वॉच से प्लेइंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग और स्कीपिंग को भी मॉनिटर कर सकता हूं। तो ये रही बोस्टन लिविन की ईऑन स्मार्ट वॉच, जो कि नो डाउट लुक एंड डिजाइन के मामले में तो काफी बढ़िया है ये, साथ में परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएगी। तो मैं तो दोस्तों इस स्मार्ट वॉच को रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये स्मार्ट वॉच कैसे लगी। अगर आप इस स्मार्ट वॉच को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी फ्यूचर अपडेट, फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।